और चलिए सहारनपुर की बात करते हैं, जहां पर देर रात वीएचपी नेता पर गोली चलाई गई है। अज्ञात युवकों ने वीएचपी नेता को गोली मार दी। तीसरी बार अभिषेक पंडित पर जानलेवा हमला हुआ है। सरकारी अस्पताल से मेडिग्राम अस्पताल रेफर किया गया है। वीएचपी नेता पर तीसरी बार जानलेवा हमला किया गया है। सरकारी अस्पताल से अब मेडिग्राम अस्पताल के लिए उन्हें रेफर किया गया है। देर रात की ये घटना, जब वीएचपी नेता पर गोली चलाई गई, जैसे रात की जानकारी प्रशासन को मिली तो अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, अस्पताल पहुंचे और उनसे जानकारी ली। तीसरी बार दरअसल अभिषेक पंडित पर ये जानलेवा हमला हुआ है। अब से पहले भी दो बार ऐसी घटना हो चुकी है, फिर एक बार देर रात वीएचपी नेता पर गोली चलाई गई है। हालांकि कौन थे ये लोग जिन्होंने गोली चलाई है, जानलेवा हमला किया, इस बात की जानकारी पुलिस निकाल रही है।